जय उत्तराखंड, वैष्णो मोटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं आप पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्र की खबर, आपका अपना चैनल वैष्णो माउंटेन खबर पौड़ी से। जैसा कि आप जानते हैं कि तीन चार दिन से लगातार बारिश और बेमौसम की बारिश आजकल जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर भीषण तबाही मचाई है, उसे देखते हुए जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जनपद गढ़वाल में 18 अक्टूबर 2021 तथा 19 अक्टूबर 2021 को भीषण वर्षा अतिवृष्टि से हुई सार्वजनिक विभागीय परिसंपत्तियों की क्षति का आकलन कर प्रस्ताव उपलब्ध कराए। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार दोगजंडे ने समस्त विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समस्त गढ़वाल में 18 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2020 को भारी वर्षा अतिवृष्टि के कारण बंद राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें, पेयजल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति आदि की सार्वजनिक विभागीय परिस्थितियों की क्षति का आकलन कर प्रस्ताव अनिवार्य रूप से एक दिन के भीतर जिलाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। पौड़ी जनपद में भी जिस तरह का तबाही हुई है, इन्हीं परिसंपत्तियों की क्षति का आकलन को लेकर आज हमारे सहयोगी जम्मू डांगी ने जिलाधिकारी से बात की। देखिए क्या कहा, श्रीनगर में चमधार में बाधित हुआ था, साथ में हमारा सतपुली से लेकर ब्यास घाट का जो रास्ता है वो बाधित हो रहा था बार बार, और जो मरचूला सरायखेत का रोड है सतपुली क्षेत्र के आसपास में वहाँ बाधित हो रहा था। लैंसन में भी काफ़ी सड़कें बाधित हो रही थी। सभी सड़कों का खुलने की कार्रवाई जो पूर्ण की जा चुकी है। वर्तमान में सभी सड़कों पर यातायात सुचारू कर दिया गया है। जहाँ पर बृहद पैमाने पर क्षति हुआ है, उन संबंधित विभाग को एस्टिमेट तैयार करने के लिए निर्देश दे दिया गया है। साथ में जो अन्य विभागीय अधिकारी हैं उनका क्षेत्र में भी अगर विभागीय संपत्ति को क्षति हुआ है, जैसे अस्पताल है, शिक्षा विभाग है या फिर कृषि या उद्यान विभाग है, उनसे भी संबंधित क्षति के बारे में आकलन जमा किया जा रहा है। क्षेत्र में जो फसल को नुकसान हुआ है उसके बारे में क्षति का जो आकलन करके शासन को रिपोर्ट भेजने के लिए तैयार किया जा रही है।